हेलो दोस्तों 2000 रुपीज़ का नोट को लेके आरबीआई गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया है। पहले तो आप लोग ये सब लोग जानते ही है क्या, 2000 रुपये का नोट को आरबीआई ने विद्रॉ कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैन कर दिया है। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए जहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने क्या बोला है 2000 रुपये का नोट को लेके। चलिए वो वीडियो देख लीजिए। Withdrawing it from circulation, this 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. Let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप face करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. दोस्तों इसमें चिंता करने का कुछ बात नहीं है, घबराइए मत आप लोग। और ये चीज नोटबंदी वाला चीज जैसा नहीं है जो आप लोग बेफालतू के घबराएंगे। आप लोग मतलब जरूरी नहीं है कि ये भीड़ लगाकर एटीएम में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है। एकदम भी जरूरत नहीं है। देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करें, नॉर्मल सा चीज है ये। चलिए देख लीजिए आरबीआई ने और क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। आवर हाई वैल्यू नोट्स, this 2000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far their security features have not been breached, not been compromised. Market mein the so called fake currency jo which you are seeing, that most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high value currency notes have not been breached. September 30 tak ye 2000 rupaye ka note chalega, matlab aap log len den kar sakte hain। दोस्तों 2000 रुपया का नोट को चेंज करने के लिए आरबीआई ने बोला है रिक्विजिशन स्लिप लगेगा, मतलब एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन देश का सबसे बड़ी बैंक जो कि ना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने क्या बोला है? एसबीआई ने बोला ये स्लिप नहीं लगेगा, आप लोगों को घबराना नहीं है एकदम। तो देखिए एसबीआई ने क्या बोला है। एक दिन में पर पर्सन एक दिन में 10 नोट चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 10 नोट मतलब 2000 का 10 नोट मतलब 20,000 रुपए एक दिन में आप लोग चेंज कर सकते हैं। और अगर आप लोग 50,000 से 50,000 से ज्यादा नोट एक्सचेंज कर रहे हैं या तो फिर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को पैन कार्ड सबमिट करना होगा। ये तो एग्जिस्टिंग बैंक का रूल्स में ही था, जो 50,000 के ऊपर अगर आप लोग डिपॉजिट कर रहे या तो फिर चेंज कर रहे कुछ कर रहे तो आप लोग को पैन कार्ड लगेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ये तो चीज आप जानते ही है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ घबराने का कुछ बात ही नहीं है, टेंशन मत कीजिए, बहुत ही इजी चीज़ है ये। आप लोग ये सारा पॉइंट्स देख लीजिए और भी सारा आप लोगों का डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का और कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग क्या जानना चाहते हैं हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे आप लोग का हर एक कमेंट को। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।